आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लेबर कार्ड बनवाने व रेन्यू करवाने वाले की उमड़ी भीड़। ये देख सकते हैं, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लेबर कार्ड बनवाने के लिए व कुछ रेन्यू करवाने के लिए लोग आए हुए हैं, जिनकी काफी भीड़ है। और यहाँ पर कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं करवाया जा रहा है। साथ ही यहाँ उमड़ी भीड़ ने कर्मचारियों पर कई बड़े आरोप लगाए। यहाँ लेबर कार्ड बनवाने आए लोगों का आरोप है कि पैसे लेकर लेबर कार्ड बनाए जा रहे हैं और अधिकारियों पर जानबूझकर गलतियां करने का आरोप भी लगाया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जानबूझकर उनके लेबर कार्ड के अंदर गलत अकाउंट नंबर को जोड़ दिया गया और जब अकाउंट नंबर ठीक करवाने आए तो उसकी एवज में उसे 500 रुपये मांगे जा रहे हैं। इनका आरोप है कि पैसे लेने के लिए अकाउंट नंबर जानबूझकर गलत किए गए और बाद में पैसे लेकर उसे ठीक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लेबर कार्ड के कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप यहां स्थानीय जनता ने लगाए। दरअसल दिल्ली में कोरोना संकट के दौरान लेबर कार्ड धारकों को लेबर मानते हुए सरकार द्वारा सहायता की गई थी। उसी सहायता के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने लेबर कार्ड बनवाए थे, तो कुछ बनवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सरकार जब लेबर को कुछ पैसे आर्थिक तौर पर देना चाहती है तो वह उन्हीं लेबर को दे पाएंगे जो लेबर रजिस्टर होंगे। इसलिए बिना रजिस्टर लेबर को वह सहायता नहीं मिल पाती, इसलिए बड़ी संख्या में लेबर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जो लेबर क्लास के लोग हैं वह कम पढ़े लिखे होते हैं और जागरूक भी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के साथ में धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा रहती है और ऐसे लोग धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार को वरीयता के आधार पर इन आरोपियों की जाँच करनी चाहिए। बहुत बड़े सर्कल पर यहाँ ये लोग ठगी कर रहे हैं। यहाँ से इनकी लेडीजें चारों तरफ कॉलोनी में घूमती हैं, उसके पश्चात वहाँ पे 500-400 रुपया लेती है फार्म भराई का। उसके बाद वो फोन करते हैं, आ जाइए तुम्हारा लेबर कार्ड अप्रूवल हो गया और वहाँ पे मतलब फॉर्म भरा जाइए। फिर यहाँ पे जब लोग आते फिर यहाँ पे 400 रुपया फिर लेते, उसके बाद फिर तीसरी बार फिर मिलाते फिर 500 रुपया लेते, लेकिन उस पर पूरा काम करके नहीं देते, खाता नंबर डाल के नहीं देते, EFT कोड डाल के नहीं देते, जिससे उसका बेनिफिट मिल सके। ये यहाँ पे चक्कर काटते रहते और ये पैसे ठगते रहते। हर दोबारा जब रिन्यू कराते तो कम से कम 750 रुपया लेते रिन्यू कराई के, और फिर भी उनका काम करके नहीं देते। मजदूर बेचारे इधर उधर घूमते रहते और धक्के खाते रहते। क्या नाम है? जिस किसी को बोल पूनम देवी। पूनम जी, क्या समस्या हुई आप लेबर कार्ड को लेकर यहाँ आए? क्या मतलब समस्या में दो साल रेनू नहीं करवाया था, रेनू करवाने आया, फिर ये 800 रुपया लिया, फिर बोला जो अशोक विहार में जमा करो, अशोक विहार में जमा करी, तकर बाद में फिर एक बोला जो पैसे आ जाएगी आपके, मैं दूसरे लोग का आ गई मेरे पैसे आई नहीं। तो क्या लग रहा है 800 रुपये लिए हैं उसके बाद में आपको कोई पर्ची उर्ची दिए हैं? पर्ची है, फार्म दे रखी है, ये फार्म समय लेबर ऑफिस में जमा करी हूँ अशोक विहार में। अब यहाँ आप लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? बात ही क्या बोलते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? बोलता कि नहीं आया है, सबको आ गया वही वही बोलूंगी सबको। प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप जी, क्या समस्या हुई लेबर कार्ड के लेकर? 2021 में लेबर कार्ड बनवाया हूँ, 800 रुपये दे गए, ठीक है। अकाउंट नंबर इन्होंने अपना डाल लिया, ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा, इसका मैंने कंप्यूटर से ये निकलवाया हूँ पेपर, मेरा अकाउंट जानबूझ के इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। पहले मेरी बात सुनो, ये पेपर जानबूझ के गड़बड़ कर रखा है, ठीक है। अब आने के बाद इनको 500 रुपये और दूँ मैं, 1000 रुपये पहले दिया हूँ, कहाँ से दूँ भाई? अब आप लोग ऑफिस में आए, उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या जवाब दिया? आप 500 रुपये दो, कोई बात नहीं करना बस। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा बैंक ऑफ टावर, इसको लगाओ, इसे सामने गुप्ता टावर। गुप्ता टावर में है क्या? वो जो व्यक्ति लिया है पैसे उसका नाम क्या है, पता है? सुबह आप आओ, यहाँ पे लेने वाले ही बैठे हैं, दुनिया भर के लेने वाले ही है, काम करने वाला कोई नहीं है। सुबह आइए आप 8 बजे के बाद आइए, सारे दिन इनका मेन निमनी है, चलो वहाँ भी बंद है।